सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा LIC की पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, अगर आपका कोई LIC पॉलिसी बीमा डाला हुआ है तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही उसकी किस्त को भर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग हैं जिनकी दोस्तों किस्त आ जाती है लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि उनकी किस्त कब आनी है और कितने रुपए की आनी है, और दोस्तों उन्हें किस्त का पता लग भी जाता है तो दोस्तों उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किस्त भर के आ सकें। लेकिन दोस्तों LIC की जो दोस्तों ऑफिस होती है वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी होती हैं, या फिर दोस्तों जो एजेंट होते हैं दोस्तों वो हमारी किस्त भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, हमसे पैसे ले जाते हैं और हमारी किस्त टाइम पर नहीं भर पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमें दोस्तों क्या करना है कि दोस्तों हम अपने मोबाइल से ही अपनी किस्त भर सकते हैं। उसके दोस्तों मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आप अपनी किस्त को अपने मोबाइल से पे कर सको, और दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन ना रहे कि आपकी जो LIC की पॉलिसी किस्त है वो टाइम पर भरी गई है या फिर नहीं भरी गई है, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने मोबाइल से भरोगे तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा जिससे आप अपनी LIC की पॉलिसी की EMI को दोस्तों किस्त आती है वो आप उसे अपने मोबाइल से ही भर सको। और दोस्तों जब आप अपने मोबाइल से भरोगे तो दोस्तों आपको उसमें यही पता लग जाएगा कि आपकी जो किस्त है वो एक्चुअल में कितनी आती है और दोस्तों कब तक आपकी लास्ट डेट है, वो सब आपको उसमें पता लग जाता है। दोस्तों आज वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा और लाइव दिखाऊँगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा देना जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो में आपको उसे मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा होगा LIC इंश्योरेंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर वाले पे आना है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपने पॉलिसी नंबर डालना है। दोस्तों पॉलिसी का नंबर आपने पॉलिसी कराई थी तो उसके ऊपर लिखा होता है, तो दोस्तों आपको अपना वो पॉलिसी नंबर यहाँ पे डालना है। पॉलिसी नंबर दोस्तों मैथ के अंकों का होता है, आपके पॉलिसी पे लिखा होगा तो आप उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे डालना है अपनी ईमेल आईडी। दोस्तों आपको ईमेल आईडी वही डालनी है जो आपके फ़ोन में ओपन हो, क्योंकि जो भी आप यहाँ से पेमेंट करोगे आपकी ईमेल आईडी पर ही दोस्तों उसकी रसीद आएगी। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पॉलिसी नंबर डालता हूँ और ईमेल आईडी दोस्तों मेरे पहले से डली हुई है, तो दोनों से डाल के मैं आपको फिर दिखाता हूँ। दोस्तों मैं दोनों से डाल दी है, अब मैं आपको कन्फर्म पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप इसे कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका कस्टमर नेम, आपका पॉलिसी नंबर और दोस्तों आपकी किस्त कब ड्यू होगी और दोस्तों आपका अमाउंट कितना है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा सारा पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा क्या, मेरे पॉलिसी किस नाम से है और पॉलिसी नंबर क्या है और दोस्तों लास्ट डेट कब तक की है पॉलिसी भरने की और अमाउंट कितना है। अब दोस्तों नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आप इसका पेमेंट किससे करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से या फिर अपनी UPI वगैरह से। तो दोस्तों मैं डेबिट कार्ड से करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मेरे यहाँ पे कई कार्ड लगे हुए हैं तो मैं आपको HDFC वाले से करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं अपना CVV नंबर डालता हूँ क्योंकि मेरा कार्ड पैसे है। अब मैं यहाँ पे इसे पे करता हूँ। पेवेल पे हमें दोस्तों क्लिक पेवेल पे दोस्तों हमें यहाँ पे क्लिक करना है और पेमेंट दोस्तों हमारा ऑटोमेटिकली सेव है ही है। तो दोस्तों थोड़ा प्रोसेस होता है इसमें, देखिए हमारा प्रोसेस चल रहा है। आपको बिल्कुल भी बैग नहीं आना है ना ही आपको रिफ्रेश करना है। अब दोस्तों हमारा OTP आ चुका है, ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर सेव हो चुका है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल दोस्तों हो चुका है और मेरे बैंक की तरफ से मेरे फ़ोन में मैसेज आ चुका है। ये देखिए दोस्तों
तो मेरा जो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का जो भी पॉलिसी जो भी किस्त थी मेरी दोस्तों वो मेरी यहाँ पे हो चुकी है। अब दोस्तों आपने जो अभी यहाँ पे ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल आईडी पे आपकी रसीद आ जाएगी और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए योर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट विल बी अपडेट विद इन 4 डे, यानी मतलब दोस्तों आपने जो पेमेंट अभी पे किया है वो आपको 4 दिन में आपकी पॉलिसी पर अपडेट हो जाएगा। दोस्तों आप इस तरीके से अपने LIC पॉलिसी का जो आपकी जो प्रीमियम किस्त होती है वो आप इसे अपने फ़ोनपे से भर सकते हो काफ़ी इजी तरीके से, जिसमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी चक्कर नहीं पड़ेगा कि आपकी किस्त कितने रुपए की आनी है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप अपना पॉलिसी नंबर डालोगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसी तरीके से अपनी किस्त भर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे अपनी LIC की किस्त को अपने मोबाइल से अपने फ़ोनपे के जरिए भर सकते हो। और दोस्तों आप इसे यहाँ से पेमेंट करोगे तो इसकी रसीद आपकी ईमेल आईडी पर और दोस्तों फ़ोनपे में दोनों पर सेव हो जाती है। तो आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो या फिर आप फ़ोनपे के जरिए ही उसे अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हो, जिससे दोस्तों आपको कभी भी टेंशन ना रहे। और दोस्तों फ़ोनपे के जरिए आप अपनी किस्त भरते हो तो इससे ये भी फायदा दोस्तों कि अगर आप LIC ऑफिस जाते हो तो आपको टाइम भी बच जाएगा। दोस्तों आप इसी तरीके से अपनी LIC की किसी भी किस्त को भर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अगली जय हिंद, वंदे मातरम।